आंवला जो है ना कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आंवला खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं क्योंकि आंवला थोड़ा सा कसैला होता है। तो इसीलिए आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे ये बिल्कुल भी कसैला नहीं लगेगा, साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगा, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सभी इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो आंवला लिया है, आंवला को अच्छे से धो लेना है और कुकर में आंवला को डालना है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, करीबन 2 चम्मच जितना, ताकि आंवला अच्छे से बॉईल हो जाए, और कुकर का ढक्कन लगाएंगे। इसे 2 सीटी आने तक हमें बॉईल करना है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम पे रखना है। तो करीबन 2 सीटी आ गई है और आंवला भी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया। आप देख सकते हैं ये बीच से फट गया है, इसकी पहचान है कि आंवला हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। तो इस तरीके से कोई सा भी जाली वाला बर्तन लेना है, उसमें हम आंवले को निकाल देंगे ताकि आंवले का जो पानी है ना अच्छे से निकल जाए, और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसका जूस बनाकर हम पी सकते हैं। पानी जब ठंडा हो जाए ना तो उसमें चीनी मिलाकर उसका शरबत बनाकर पी सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा आंवला खाने के बाद जब हम पानी पीते हैं ना तो मीठा लगता है। वैसे आंवला को हमें किसी भी रूप में जरूर खाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आंवला जो है ना इसके पीसेस अलग हो रहे हैं। तो आंवला के पीसेस अलग कर लेना है, इसके बीज को हटा देना है और थोड़ा थोड़ा सा ही जो आंवले के पीसेस है ना उसे तोड़ लेना है बीज से, ताकि जब हम इसे मिक्सी में पीसे ना तो अच्छे से ये पीस जाए। तो ये देखिए सारे आंवले के छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिया है, ग्राइंडिंग जार लेना है, उसमें हम सारे आंवला को डालेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिक्सी को हम रुक रुक के चलाएंगे और इस तरीके से बिना पानी डाले इसका बारीक हमें पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें इसे पीसना है, और थोड़े बहुत जो आंवले के टुकड़े बच जाते हैं उससे कोई टेंशन की बात नहीं है, वो बाद में अच्छे से पक ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, सारे आंवला के पेस्ट को हमें प्लेट में निकाल लेना है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने एक फ्राइंग पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस का जो फ्लेम है लो टू मीडियम पे रखना है। इसमें हम सारा पीसा हुआ आंवला डाल देते हैं, बिना देसी घी, बिना कोई घी तेल के हम इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये बनने वाली है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें फ्रेंड्स, सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। और इसे अच्छे से हमें पकाना है। जैसे जैसे ये पकेगा ना इसका जो कलर है लाइट होता चला जाएगा, आप देख सकते हैं। तब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो गुड़ मैंने यहाँ पे 400 ग्राम के करीब लिया है, आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं। तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े में मैंने तोड़ लिया है। चीनी की मात्रा या गुड़ की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें हम सारा गुड़ डालेंगे। गुड़ डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जैसे जैसे गुड़ मिक्स होगा ना आंवले के साथ, ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे हमें इसी तरीके से मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है। फ्रेंड्स आंवले की और भी ढेर सारी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सारी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे आसानी से जाकर विजिट कर सकते हैं। आंवला के फायदे के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसमें ढेर सारे विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से हमारे बाल लंबे, घने, काले होते हैं, स्किन ग्लो करता है, और जिनको शुगर हुआ है ना उसको तो आंवला जरूर खाना चाहिए। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ढेर सारे गुणों से भरपूर है ये आंवला। आंवला की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आंवला को पकाते पकाते आप देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस है ना काफी ज़्यादा थिक हो गई है और एकदम परफेक्ट है। आप इस तरीके से आंवले का मुरब्बा भी बना सकते हैं, आंवले का छुंदा बना सकते हैं, जो भी आपको मन करे ना उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी आज मैं बनाने वाली हूँ जो कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जैसे कि काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हींग, सौंफ का पाउडर, अजवाइन, काला नमक और सौंठ का पाउडर, इसे हमें जरूर डालना है। सौंठ का पाउडर नहीं है तो आप अदरक को कूट कर भी डाल सकते हैं। तो सारे मसाले को हम इसमें डालेंगे, बहुत ही यूनिक मसाले हैं ये। जो सारे मसाले हैं ना आधी छोटी चम्मच से भी कम डालना है, जो कि इसमें जाएगा ना तो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर लेकर आएगा, बहुत ही चटपटा ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो सारे मसाले को इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे बहुत ही बढ़िया से हमें पकाना है, जब तक कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना थिक ना हो जाए।
ठीक होने तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। तो बहुत ही बढ़िया से इसे चलाते हुए हमें मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे ये मिक्स होगा ना फ्रेंड्स, इसकी जो थिकनेस है ना वो एकदम गाढ़ी होती जाएगी, एकदम गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। बेसिकली इसका हमें पानी सुखाना है, अगर इसमें थोड़ी सी भी नमी रहेगी ना तो बिल्कुल भी ये रेसिपी बनकर नहीं तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्लेवरफुल हमारा ये च्यवनप्राश बनकर तैयार हुआ है। वैसे ये च्यवनप्राश नहीं है, मैं एक अच्छी सी रेसिपी आप लोग के लिए बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितना ले लिया है आमचूर पाउडर यानी कि खटाई। इससे जो ना आंवले का जो कसैलापन है वो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल भी कसैला आंवला नहीं लगेगा। आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आमचूर पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे ना फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस है ना और भी ज्यादा थिक होती जाएगी। इसे और भी ज्यादा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टुकड़ा नींबू का रस। इसमें हम 1/2 टुकड़ा नींबू का रस मिक्स करेंगे। नींबू का रस अच्छे से निचोड़ने के बाद इसके बीज को हमें हटा देना है और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही चटपटी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी, खट्टी मीठी चटपटी सी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो अच्छे से हम सारी चीजों को मिक्स कर दिए हैं। गैस का जो फ्लेम है ना फ्रेंड्स, बीच बीच में आपको मैनेज करते रहना है, कभी लो पे कर देना है कभी हाई पे कर देना है। और इस टाइम पे तो बिल्कुल भी गैस का फ्लेम हमें हाई पे नहीं करना है, लो पे ही पकाना है। तो इस तरीके से जब हम इसमें गैपिंग करेंगे ना तो ये जो मिक्सचर है ना एक दूसरे में चिपकेगा नहीं, वो अपनी जगह पे स्टिक रहेगा। इसका मतलब है हमारा जो ये मिक्सचर है अच्छे से पक गया है। और इसकी जो थिकनेस है ना आप देख सकते हैं कितना बढ़िया थिक हो गया है। ठंडा होने के बाद और भी ज्यादा ये थिक हो जाएगा। इस तरीके से हमें चेक कर लेना है। ये देखिए ये इकट्ठा होने लगा है, इसका मतलब है आंवले का जो मिक्सचर है ना बढ़िया से पक गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा करने के लिए एक प्लेट लेना है, प्लेट में हम सारा आंवले का जो मिक्सचर है ना उसे निकाल लेंगे और फैला लेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए, यूजफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर जो है हमारा अच्छे से ठंडा हो गया। और यहाँ पे मैंने लिया है शुगर पाउडर यानी कि चीनी का पाउडर। तो हाथ में कोई भी घी वगैरह नहीं लगाना है, बस इस तरीके से हाथ को ये चीनी वाले पाउडर में डिप करेंगे ना तो अच्छे से ये मैनेज होने लगेगा ये जो आंवले का मिक्सचर है। तो छोटे छोटे साइज के हम बॉल्स उठाएंगे और इस तरीके से ये चीनी वाले पाउडर में मिक्स करते हुए इसकी गोलियां बना लेना है। छोटे छोटे साइज में हम सारी गोलियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हम बना रहे हैं आंवले का गटागट यानी कि आंवले की कैंडी। तो जिस तरीके से मन करे ना उस तरीके से आप आंवले की कैंडी बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो सारे आंवले की जो गोलियां है ना उसके ऊपर शुगर पाउडर की कोटिंग करेंगे और बढ़िया सा हमारा गटागट बनकर तैयार हो गया है आंवले का। आप इसको कैंडी, आप इसको गटागट, जो भी आपका मन करे ना आप बोल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, बच्चे बड़े सभी मांग मांग कर खाएंगे, इतना ज्यादा ये चटपटा मजेदार बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आंवले का गटागट है ना कितना बढ़िया देखने में लग रहा है, उतना ही ज्यादा ये खाने में लगता है। तो इस तरीके से आप फटाफट से आंवले का गटागट बनाइए, बच्चे बड़े सभी को खिलाइए। खाने में तो अच्छा लगता ही है, साथ ही ये आंवला जो है ना बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। तो सर्दियों के मौसम में आंवले का सेवन आप किसी भी रूप में जरूर करें, किसी भी रूप में आंवला को खाएं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। सर्दी जुकाम की समस्या भी दूर होती है। तो बच्चों को खास करके इस तरीके से गटागट बनाकर रख दें और बच्चों को खिलाएंगे तो वो खा भी लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये आंवले से बना है। इसे रखने के लिए आप प्लास्टिक का कंटेनर ले या कांच का, कोई सा भी ले, अच्छे से साफ सुथरा सूखा होना चाहिए। आप इसे फ्रिज में रखें या फ्रिज से बाहर रखें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, 1 महीने से भी ज्यादा ये चलेगा। ये देखिए मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ और ये कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना, एकदम सॉफ्ट है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है, खाकर तो मजा ही आ गया। फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी फटाफट से आंवला की कैंडी बनाइए, खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए और इसके फायदे भरपूर उठाइए। मैं तो आपको गारंटी से कहती हूँ सभी को ये रेसिपी जो है ना आंवले कैंडी की बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को कौन सी जगह से देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं ऐसी यूनिक मजेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।